अरे पूछिए देश भक्तों से भी करे कोई शूरमा। मेरे प्यारे भैया जी तो बोलो राधा रमण बाप जी ने हरिलाल की देखो दो पास तारी जाके बोलना एक दो चार लेना के जवान लालो फाड़ ले सुदामा के चादर की अच्छी शक्ल ना थी कृष्ण कोई अकल ना थी मगर श्याम सुंदर इसे प्रेम था कौन से हीरे जड़े थे अत्री जी कौन से हीरे जड़े थे नरसी भगत की हड़ताल में पैर जिसने जूठे खाए पैर जिसके जूठे की क्या औकात थी सच पूछो तो शर्मा साहब जे सब प्रेम की इबारत थी। मेरे आदरणीय गुरु जिन्हें सब मार्गदर्शन करते हैं महंत ने और जम्मू कश्मीर के एक बार सारे मेरे नाल बोलो जय पता लगेगा कि सारे सुस्त नहीं जो गुण राधा रमण बाके जीव चुनिया पा तू जन्म लेता तू मर राक्षा दा तू जुलम कीता राम बिच बना दे थोरे आई सुन ज्योति छतरी दी सुदर्शन चक्र चलाया उठाया इस अंगली आखिरी अंग इस अंगली मर जाना दुनिया छट जानी और जो पीर बना खटिया पानिया नीम मर जाना दुनिया छट जानी मेरा पीर बना ठंडू माई बाप नाल नहीं मिला तुहाड़ा दिया मिलना सकते हरियाणू जिला अध्यक्ष हमारे पम्मी जी इंद्रजीत जी हमारे जो संगठन मंत्री हैं आकाश चोपड़ा जी राजेश जी तेरा नाम कर दिए थे तू लिखा होता क्या नहीं आती है। एक तो मैं ज़्यादा इसके लिए भी अच्छी कर सकी कि पूर्णिमा बाद अधिक आए मैंने आपने लिखा होता बी डी सी चेयरमैन तरसेम जी बी डी सी चेयरमैन राजपुरा बी डी सी चेयरमैन सारे यही इसी ड्रेस में जाएंगे वहाँ पे करने थोड़ा सिरागर रिश्तेदार भी आते हैं असना भूल गए भैन घर आया था थोड़े फिक्र बन जाते सरपंच गुरदीप सैनी जी चंद कालिया जी किशोर जी किशोर जी लब्भा राम जी साढ़े आए थे साढ़े बी डी ओ आरसपुरा अडवाणी जी ओम प्रकाश जी संजय जी रविंदर सिंह जी जोरदार ताड़ियां तुम अभिनंदन कर देखियो जी
सुभाष जी अश्विन रूपलाल जी महंत और भी आई हैं। मैं कभी दिखे नहीं यार उन्होंने ना समान तो कभी किया नहीं सड़े Oh,
सनातन कने जुड़े का जो आदमी इंसान है कोई गल का आवाज जरूर से होंगे कि मैं अगर धार्मिक में जाना हो तो मैं ऐसा नहीं करा। पहले तुम सारे अभिनंदन जरा करना है श्री महंत शांतिगिरी महाराज जी ने जो साढ़े बैठे थे मैं समझ मोहन गिरी जी साढ़े जूना अखाड़ा के महासचिव ने इंद्र जी जी के बड़े प्यारे कट्ठे साथ है जरा कि असें सारे लोग मिलिए यह गल करनी कि हर घर झंडा और हर मंदिर झंडा वो जो मंदिर झंडा लगना वो शुरुआत जी है वो असें माननीय इंद्र जी जी ने मिली है असें चढ़वाल शुरू की ताकि हर मंदिर च भी झंडा लगे जी हर घर झंडा लगे इन्हें कन्ने साढ़े साईं जी शास्त्री जी महाराज साढ़े राम नारायण दास जी महाराज जी जिंदा बड़ा एक विशेष योगदान होंगे साढ़े अंग्रेज जी जिन्हें कि तुम यूट्यूब पर भी सुनते हो सारी जगह तुलसी जी का वही बरात आती है तो फिर वो भी साढ़े कन्ने सांबे तो बरात आई थी और मैं समझना कि उसने सानू 25 लाख रुपया इस मंदिर वास्ते दिता लेकिन क्या है छड़ा शैड पाना बाकी काम बाद लै गए इन्हें कहने नहीं मैं 25 लाख 25 देना लेकिन अं क्या बाद थोड़ा और लैना लेकिन पहले असें अगला शैड पा लैचे और अब जल्द बारिश आई तो बाकी उसने याद आई कि साहब आते बनाए लो असि गए 2 साल लेट कर गया नहीं तो अभी शैड थे अस बैठे होना कोई ऐसा प्रभाव कि इस मंदिर अगर शैड बनी जाए ताकि साढ़ा सारा और पूरी परिक्रमा च मार्बल लगना जोड़ा वो भी पैसा सारा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट श्री जुगी किशोर महाराज जी ने दिता है। किन्ने मंदिरों से किन्नी महाराज जी जिन्ने मंदिर ने उनके अगर लाइट जी है जिन्नी गौशाला उनके अगर लाइट भी जम्मू शहर को बड़े जन आए माननीय सांसद बड़े भरा जुगल किशोर शर्मा जी अपने सांसद निधि अपनी अनुदान राशि दी और इस मंदिर प्रांगण भी ढकने शेड की व्यवस्था इतनी है विकास पुरुष के नाम कहने जाने जाते हैं जुगल और हर जगह जिधर जाते ना अपने कोशिश करते हैं कि अपने स्वनिधि योजना अपने अनुदान राशि बिचा सीडीए फंड बिचा जिन्ना संभव हो सके अपने जगह की डिवेलपमेंट भी करते हैं। मैं आज के इस ध्याड़े पर इधर उपस्थित अपने महंत बिटू राजेश बिटू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करनी हाँ। हमेशा प्रयासरत होंगे कि कोई ना कोई समागम का आयोजन हो जिदे राय परिवार होए समाज होए या राजनीतिक क्षेत्र होए सारे का एक गुलदस्ता बनिए छत के थले इकट्ठे करने का प्रयास करता है पुनः अज के ध्याड़े पर आरसपुरा दे इतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण राधा अष्टमी का ये जो कार्यक्रम चला करता है जेदे च मंच पर साढ़े बड़े मान्य और सामान्य संत समाज जरा है और विशेषकर जिन्हें अज राधा अष्टमी जी के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम ये भजन संध्या और कीर्तन का आयोजन किया है ऐसे साढ़े महंत राजेश बिटू जी और इनका जिन्ना भी परिवार है विशेष तौर पर साड़ी भैन माता नीता जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लोग इतने आए हैं और चुने के नुमाइंदे भी बड़े सारे आए हैं विशेष तौर पर सरकारी अफिसर भी आए हैं लेकिन साड़ी भैन पूर्णिमा जी जिड़िया के जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन उप महापौर डिप्टी मेयर न उन्हें भी अपना कीमती टाइम कड़ी है इतने आने का मैसेज जोड़ा किया है मैं लगता कि भाई जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन च रोंदे हुई बड़े अच्छे कार्य जोड़े न वो चला करते हैं और पूर्णिमा जी का भी बड़ा वाला सहयोग है और अभी भी तुम देखो कि कुछ एक दो
कमी का शुभारंभ या फिर लोकार्पण करिए आईया होनी ना। अच्छा लगता है कि भाई पार्टी ने जिन लोगों पर विश्वास किया है वो पार्टी की आशा पर खरे करते हुए अच्छे काम कर। इस उपलक्ष्य पर भजन भी असं लगा रहा। रीता जी माता जी ने बहुत ही अच्छा असं इतने एक भजन दो भजन जड़े ने सुनाए ने। ये ठीक आ गया बिट्टू जी ने कि भाई एक दिन च ये सारा संपन्न होना बड़ा मुश्किल है। लगता है कि भाई ये ने कार्यक्रम चलते ही रहन अजय हूँ रहे अस, लेकिन असं कि जो भी ये जरा मौका मिले संत समाज कने मिलने का वह श्रेय बिट्टू जी जिंदा है कि भाई जो भी बुलाते हैं असं कि संत समाज के दर्शन हो जाते हैं और कुछ अच्छा ग्रहण करने मिलता है। टाइम ये कन्ने गए इतिहासिक और प्राचीन राधा भी प्राचीन मंदिर साड़िया धरोहर उन्हें बचाने का उनके रख रखाव का जिम्मा जरा सरकार ने भी लैता है। जियां कि बिट्टू जी सुना करते हैं कि एक प्रसाद योजना है, प्रसाद योजना के माध्यम कने कई सारे ऐसे इतिहास पहले भी आए। मैं राजेश बिट्टू जी की कई बारी का कार्यक्रम लाया है। मेरी प्रार्थना है कि तुम तो स्वीकार करो तो इतिहास तुम्हें एक अच्छा जड़ा है कोई ढांचा जड़ा है बनाई देते हैं जेदे कने के भाई तुम्हें हमेशा बचिया कि वो इन्हें मनी नहीं प्रार्थना जो स्वीकार की असें अपने सांसद निधि विचार जरा तुम्हें जो कि बनाए दा है आख्या कि भाई इन्ना पैसा तुम्हें अस इस प्रांगण की अच्छा सुंदर बनाने वास्ते और इतने एक अच्छा शेड सुंदर बनिया ताकि बैठने जगह वह वो भी इन्हें स्वीकार किया गया है। और इस शेड का जो करके ठीक एक राशि जी है वो लगे और अच्छा एक बैठने ऐसा स्थान बनिया वह अच्छ शुभारंभ होया और यदा शिक्र में महंत जी की नहीं जी जनता जनार्दन इतने बैठी है इन्हें दिना है कि थोड़ी शर्मसार गया इतना बनना योग उसी भी जरा पूरा करके जो अस आखना वो करना है जो थोड़ा हुक्म होगी जो ठाकुर जी का हुक्म बस करके हमेशा तुम तो सनातन की जय करने और सत्संग करने तत्पर होंगे हो अगर होंगे हो भजन भी सुनना चाहे कीर्तन भी करना चाहे सत्संग भी हो या और कुछ ऐसा समय